हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं, अभी हम हैं ऑफिस में। हमें आज जाना था मार्केट, आज संडे है। हस्बैंड के पास अर्जेंट काम आ गया तो वो पहले ही ऑफिस आ गया था। आज मैं पहली बार अकेली ऑफिस आई हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ खा पी करके अभी आकर खाना वाना खा रहे हैं। यहाँ पे चाउमीन चल रही है। आयशा आते ही पार्टी। यहाँ मेरा व्लॉग अपलोड लगाया घर पे बार बार। आज लाइट पता नहीं क्या हो गया, लाइट जा रही थी। यहाँ मैंने अपना व्लॉग अपलोडिंग पे लगाया। अभी मैं आप लोगों से मिलती हूँ खा कर। हमने खा पी लिया है तो अभी और 5-10 मिनट लगेंगे मार्केट जाने में, क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है। चलिए आज मैं आपको ऑफिस टूर देती हूँ, बाहर से स्टार्ट कर। ये है, इधर से भी रास्ता है ऑफिस आने का, इधर से भी रास्ता है। यहाँ से ये है, यहाँ इस सीढ़ी से जा करके वो लगा हुआ हमारा बोर्ड, एक ये लगा हुआ। यहाँ ये है TZ एंटरप्राइजेस, तहसीन जैनब। फिर इन सीढ़ियों से चढ़ के यहाँ एक गैलरी से निकल के फिर यहाँ आ गया TZ एंटरप्राइजेस, तहसीन जैनब। ये हमारे बॉस। हेलो सर जी। सर जी बॉस तो वैसे मैं हूँ। यहाँ ये बड़ा बॉस तो ये है। यहाँ इनका लैपटॉप चल रहा है। मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ। रिक्वायरमेंट पूरा कर लो। यहाँ ये सब, इसको क्या कहते हैं, इधर लगा हुआ पूरा एक्रेलिक लेटर, एक्रेलिक 3D लेटर। ये बॉस बात कर रहे हैं आप। यहाँ टेबल, ये सब हमने बनवाया है फर्नीचर। ये क्या बोलते हैं, SCP बोर्ड? SCP बोर्ड रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट था रिक्वायरमेंट था आपका। TZ से बात कर रहे हैं जी। अच्छा, 1400 रुपए में बन जाएगा पूरा। इतना सस्ता काम करती है 1400 रुपए में? 1400 रुपए में पूरा लेटर बना दोगे? 1000 रुपए में बना दिया। हम बोला था थोड़ा चुक्कर चुक्कर ले, कब वापस कर दो। 20 का चाला है ना, पूरा चुक्कर ले लो। अरे मुझे भी बोर्ड बनवाना है आपको। एक मिनट की बात करते हैं जी। मुझे नियॉन साइन बनवाना है। नियॉन साइन ज़ैनब्स व्लॉग का, ऐसा जैसे ये बना हुआ है ना, ऐसा बनवाना है। गोल ये हाँ बना हुआ है ना, बन जाएगा विंग्स वाला, जो विंग्स बना हुआ है। कितने पैसे लगेंगे? कम से कम पूरा 1800 में हो जाएगा। बड़ा सस्ता, ठीक है। तो लूट इस दुकान, ठीक है। नहीं, कब तक मिल जाएगा? कब तक? 1800 से कम होते हैं 1200। 1000 में बन जाएगा। 1000 तो और कम होते हैं 1200। 2000 से बन जाएगा। हाँ ये ठीक है, 2000 में बन जाएगा। आप स्कूल नहीं गए कभी? कैसे ऑफिस चला रहे हैं आप? ऑफिस हम ऐसे चला रहे हैं, हम स्कूल गए। ये अंगूठा छाप बहुत सही है, ये परसों से स्कूल जाएंगे। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। मुझे हमें नहीं करना इसकी दुकान में काम। इसकी दुकान नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा स्टोरेज का बना हुआ है कैमरा। अरे ये कब पूरा करोगे इसको? ये 1 साल से अधूरा छूटा हुआ है विंग्स का काम। किसको दे रहा था? ये किसको दे रहा था विंग्स का काम? किसी को नहीं देना, ये यहीं लगेगा। यहाँ पर भी और सामान लगता। ये हाँ ये बचा हुआ, ये काम हुआ था ना उसका, निकला हुआ, इसको कहीं और लगाएंगे। ये अभी काम आ रहा है, अभी यही काम चल रहा है। चलो यहाँ आ गई है मेरे लिए चाय। मैं वैसे चाय नहीं पीती हूँ, मगर मुझे ये वाली कुल्हड़ की चाय बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो चाय आ गई है मेरे लिए। यहाँ पर अभी हस्बैंड काम कर रहे थे और हमने आकर के आज ढाबा बोल दिया ऑफिस में। अपो, अपो, ये सब मेरे हस्बैंड ने बनाया। अपो, एक मिनट खोलिए ना पीछे से। ये सब सब कुछ जितना भी है सब मेरे हस्बैंड ने खुद बनाया है। ये सब जितना कराई ग्रास वगैरह सब उन्होंने खुद लगाई है, बहुत मेहनत करी है। हमारी हमारा ये ड्रीम है हम दोनों का, ये ऑफिस। इंशाल्लाह एक ब्रांच और खुलेगी बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला। TZ एंटरप्राइजेस, तहसीन आयशा जैनब, ठीक है।
तो अब हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए, 9 बजे देखते हैं मार्केट खुली होगी कि नहीं। वैसे तो अब रमज़ान के लास्ट हैं, मार्केट देर तक खुली रहेगी। आज हम गाड़ी कार से नहीं आए, स्कूटी से आए हैं, बहुत ज़्यादा पार्किंग का मसला होगा। चलो भाई चलो, छोटे बॉस बड़े बॉस, मेरा छोटा चिंटू बड़ा चिंटू, चलो बड़ा मोटा छोटा मोटा, दोनों की तोंद निकली हुई है। ये तोंद बच्चा। चाबी तुम्हारे पास है ना? हाँ मेरे पास है ऑफिस की चाबी। निकालो बत्तख, वो उठाओ, थैला उठाओ, और कुर्सी तो अंदर रखो आयशा। आयशा छोड़ दो, आपस आप रख देंगे। आपस आप गुस्सा हो रहा है? गुस्सा दिलाती क्यों हो? आखिरकार मैंने बॉस को कुर्सी पे से उतार ही दिया। मैं खुद उतरी हूँ। आज हमारी आते ही लड़ाई हो गई थी, कौन बैठेगा कुर्सी पे, तो अपो ने खुद कह दिया अब तू बैठ जा। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं सीसीटीवी की थोड़ी सी क्लिप डाल दूंगी हमारी कैसे लड़ाई हुई है। नहीं आई। वो कैसे चाय पी रहे हैं? आज बहुत दिन बाद स्कूटी पर बैठूंगी। आयशा का स्कूल भी स्टार्ट हो रहा है, आयशा की बुक्स वगैरह लेनी है, ड्रेस हम ले चुके हैं, ड्रेस वगैरह। पीपी बजाओ, पीपी चाबी तो मेरे पास है। चलो 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 जाओ। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है आज, हवा चल रही है। ऐसे ही मौसम रहे तो ठीक है, गर्मी पड़ेगी ईद के बाद। पिंक देखो ना, उसमें से पिंक, उसमें से हटाओ, कल पिंक समझ में आएगा तुम। ये पिंक ही अजीब अजीब कलर है, पिंक एकदम बेबी पिंक, उजला उजला है। हाँ येलो तो मिल गया। कितना बोला? 800। कितना बोला? 800 बोला क्या? 800 नहीं भाई, ज्यादा हो जाएगा। कुछ नहीं मिला इस लड़की के लिए। पानी है तो क्या मिलता है ताजमहल में? ताज मिलता है। The next day. कल बाज़ार से आके मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी, बहुत ज़्यादा थक गई थी और बहुत ज़्यादा मैं गुस्सा भी थी क्योंकि मुझे मेरे पसंद के कपड़े नहीं मिल रहे आयशा के लिए। कल बाज़ार से आके कोई वीडियो नहीं बना पाई, बाहर खाना खाया और बस आकर के हम लोग सो गए थे। अब आज टाइम नहीं है, हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, आज बिल्कुल भी वक्त नहीं है बाज़ार जाने का, तो मैंने सोचा मैं अलमारी सेट कर लेती हूँ। और लाइट भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, लाइट चली गई है यहाँ, मैं अभी अलमारी सेट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा फैली हुई हो रही थी तो
अब मैं आपसे अलमारी सेट करके दिखाती हूँ। ये सब अलमारी का कपड़े निकाल करके मैंने रख रखे हैं। ये सब वैसे तो मेरी ये शिकायत रहती है मेरे पास कपड़े नहीं, अब मैं तय करने बैठ रही तो अल्लाह मत पूछो इतने कपड़े निकल रहे हैं। ये मेरे टेलर से कपड़े सिल के आ गए हैं ये सब, और कुछ मेरे ये पार्सल आए हुए हैं, मैंने ईद के लिए वो सामान ऑर्डर किया था, अभी आ ही रहे हैं धीरे धीरे, और आज पूरे दिन आएंगे तो पूरा इंतज़ार कर रही हूँ, एक साथ सारे खोलूँगी। ये एक पार्सल आया, कैमरा मंगाया, वो उस रूम में कैमरा लगा के जाएंगे, बिल्लियों के लिए ध्यान भी देते रहेंगे घर, वहाँ से शादी में बैठे बैठे देखते रहेंगे क्या कर रही है। कुशन कवर है, ये सब मैं एक साथ ही खोलूँगी, बेडशीट है, और ये लड़की मेरी टी शर्ट पहन करके बैठी हुई है, जो मेरे कपड़े देखती है इसे पहनने हैं। ये अभी से ये लड़की मेरे कपड़ों पर कब्जा कर रही है, खड़ी होके दिखाओ तो क्यों नहीं, मेरी टी शर्ट इसकी मैक्सी बन गई। ये बहुत क्यूट ड्रेस है, ये बहुत क्यूट है, मुझे इसके किटी कैट की वजह से पिघल गई। चलिए ये कपड़े समेटने के बाद मिलते हैं। तो कर दी है मैंने यहाँ पर अलमारी सेट, अब बस इतने ही, बहुत ज़्यादा मैं थक गई इतना करके ही, अभी भी ये वाला हिस्सा मेरा रह गया है, ये मैं बाद में करूँगी क्योंकि मुझे अफ्तारी का वक्त हो रहा है, और मुझे आज मेरा डॉक्टर विजिट भी है तो मुझे डॉक्टर के भी जाना है। मैंने वाला रूम भी साफ़ कर दिया है, अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये भी रूम मैंने सेट कर दिया है, बेडशीट वगैरह सेट कर दी, पार्सल सब चेक कर लिया, पार्सल ठीक है, अब ये सफाई हो गई है, अब ये मैडम आ गई हैं गंदगी फैलाने। अभी मेरा काम निपट गया है, अब मैं जा रही हूँ अपने जिस फ़ोन से वीडियो शूट कर रही हूँ उस फ़ोन को चार्ज में लगाने, बैटरी बहुत कम है, और अपने ये वाला मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन दिलाया है MI का, तो इसे मैं नाते वगैरह सुनूंगी, किचन में खाना बनाते हुए नाते सुनती हूँ, कौन कौन सुनता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं खाना वाना बनाने के बाद आराम से, मैं इसके स्कूल की तैयारी भी करनी है, बैग सेट करना है, इसका सब तैयारी करनी है, वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। चल पड़ी सवारी स्कूल के लिए, फॉर द स्कूल, चल चलो। कैसा लग रहा है आशा? बहुत, सो एक्साइटेड, सो एक्साइटेड। केक मत काट दियो, चल चल देख रही गौर से। चलो आगे आगे चलो, स्कूल में झाड़ू लगानी पड़ती है। नहीं ऐसी मजाक कर, मुझे वो वक्त याद आ रहा है, पापा मुझे साइकिल पे छोड़ने जाते थे स्कूल, ज्यादा रोती थी जब तक पापा मुझे दिखते रहते थे ना, आ जाओ, जब तक ना मैं रोती रहती थी, हाँ फिर पापा मुझे बहुत सारी चीज दिलाते थे और मैं खुश। हाँ नहीं और आ गया है स्कूल, थोड़ा सा और आ गया। उधर पहले दिन गए थे, एक दूसरे दिन गए थे, चल आ गया, आ गया।
चलो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अंदर घुसा। चलो चलो उधर पता चलेगा कौन सी क्लास है। जैसे आपने लास्ट क्लिप में देखा, हम लोग घर पे आ गए थे, हमें पिछली बार कुछ नहीं मिला था आयशा के कपड़े, तो आज हम लोग फिर आ गए हैं। मैंने बीच में कोई वीडियो नहीं बनाई, देखते हैं आज आयशा के कपड़े मिलते हैं या गाड़ी हम लोगों ने पार्किंग में खड़ी कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रास्ता अंदर मार्केट में गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो इसलिए हमने गाड़ी पार्क कर दी। और उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया, मैंगो जूस पी रहे हैं। उसके बाद हम अब निकलेंगे शॉपिंग के लिए। ज़्यादा शॉपिंग करनी नहीं थी, बस आयशा के कपड़े लेने हैं और छोटा मोटा सामान। बाकी मेरी शॉपिंग पूरी हो चुकी है और हस्बैंड अब करेंगे शॉपिंग। बस हमें आयशा का लेना था, आयशा के और कपड़े ले चुके हैं, बस मेन इवेंट के लिए लेना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुझे ईद के बाद शादी में भी जाना है, तो हम उसके लिए ही आयशा के कपड़े ढूंढ रहे थे। ईद के कपड़े तो आयशा के हो चुके हैं, अब यहाँ हम अंदर पैदल पैदल ही जा रहे हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा रौनक थी, यहाँ हम आ चुके हैं, यहाँ पसंद कर रहे हैं आयशा के कपड़े। क्या हो गया? ओफो, बाल खराब, बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ। देखो तो, हाँ साइज सही है, डिजाइन कैसा है? डिजाइन भी ठीक है। जाओ देखो, बैक साइड से ही दिखाओ ना, बैक से। हाँ सही है, इसमें स्लीव्स हैं। कहीं से भी लग रहा है रात के 11 बज रहे हैं, कितनी रौनक है बाजार में। ईद रमज़ान के बाद ये सब मिस करेंगे। तो आराम से सो गई, सामान मज़ा आया। अच्छा घर आ गए, कब से सो रही हो तुम? हैं? ओ मेरे सन्नाटे,
घर जाके आराम से सोना। भीड़ नहीं तो मैं खुद नहीं रहा। खाली हो गया, आते ना आप कह बजे 10:30 बजे तो बहुत सारे लोग। हमने कर ली है शॉपिंग वगैरह सब, कॉस्मेटिक का भी जो सब सामान था सब मैंने ले लिया है। अब हम तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अब आयशा और मेरी तो शॉपिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई, बस अब मेरे हस्बैंड रह गए। इनका क्या है, इन्हें जाना है, एक बार में अपना सामान लेके आ जाएंगे। हमारा है मैचिंग के चप्पल, चूड़ी, सैंडल, ये सब चाहिए। तुम क्या लोगे? पता नहीं, जो मिलेगा ले लेंगे, जो मिलेगा ले लेंगे। एक अच्छी सी टी शर्ट और एकदम एक ही, मतलब तुमने तो इतने सारे कपड़े लिए, बस आपको एक ही कह रही हो ले लीजिए। ये तो कोट पैंट के पीछे पड़ी रहती है, अप्पा साहब कोट ले लीजिए। मैं पहली बार देखूंगी अप्पा साहब को, मैंने देखा नहीं है कोट पैंट, पहली बार देखूंगी। तो बस अब व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं इसको यहीं पर एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट अब मैंने क्या क्या लिया ईद का अपने, उसकी वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी है, कमेंट तो करना चाहिए ना, है ना ऐसा? कमेंट क्यों नहीं करते बोलो जी, क्यों नहीं करते आप सब कमेंट? लाइक क्यों, लाइक तो आते हैं फिर भी ठीक है, मैं उतने से भी खुश हूँ लाइक से भी। कितने भी लाइक हो पर खुश रहते हैं, पर थोड़ा थोड़ा जो बोलना है कमेंट तो करिए करिए आप। हाँ ठीक है, तो बस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कहता है। अल्लाह हाफिज़।